जी इसी गाड़ी में बैठ करके आगे जा रहे हैं, और आप देखिए कि कोई विशाल ये शव यात्रा नहीं निकल रही है। हाँ, जो प्रोटोकॉल के तहत जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के हिसाब से जो तंत्र उनके साथ चलता है, वो पुलिस का ही एक कॉन्वॉय जो है वो उनके साथ चल रहा है। और बाकी आप देखिए परिवार के लोग, मैंने देखा जैसे सामान्य तौर पर एक सामान्य फैमिली में जो अंतिम विधि होती है, उस तरह से जो पारिवारिक मित्र जो होते हैं या परिवार के जो लोग होते हैं वो आते हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों में फिर साथ में निकल जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आपने देखा वो शव वाहिनी अब चल चुकी है, यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है सेक्टर 30 का ये शमशान गृह, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा उनकी माता जी का। और यहाँ जो सबसे खास बात देखने को मिली है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं है, और सबसे बड़ी बात कहीं पे भी समय व्यर्थ नहीं किया गया। अभी करीब 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले से रिचुअल्स चल रहे थे और उनके आने के बाद जो थोड़े और विधि विधान है वो संपन्न करके और तुरंत अंतिम यात्रा के लिए उन्हें आपने देखा होगा कि अंतिम यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे थे तभी मैंने देखा था कि शव वाहिनी पहले से आकर के खड़ी हुई थी। तो ये हम अनुमान लगा पा रहे थे कि किसी भी वक्त शव यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो हमारी यहाँ बात भी हुई थी वो भी बताया गया था कि किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होने वाला है, और इवन शमशान में भी बाकायदा कहा गया है, ऑफिशियली इनफैक्ट ये कहलवाया गया है पार्टी के द्वारा भी, कि कोई बड़े नेता कोई जमघट ना लगाएं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी आने से रोकें, उन्हें भी वहाँ इकट्ठा ना होने दें। एक जैसे एक फैमिली अफेयर होता है, इसे एक सामान्य फैमिली अफेयर रहने दें। परिवार भी यही चाहता है, माता जी की भी यही इच्छा थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस बात का आग्रह रखते हैं कि जब उनके परिवार के साथ वो हों तब वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। हालांकि आज क्योंकि उनकी माता जी का देहांत हो गया है, उनका अब अंतिम संस्कार होगा, तो जाहिर सी बात है वो शमशान गृह में होना है, लेकिन वहाँ पे भी किसी प्रकार से लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। बकायदा उनसे विनती की गई है कि कोई वहाँ पे ना पहुँचे। आप देखिए कि ये दिखाता है कि यहाँ पर किस तरह से आज भी सादगी भरा जो ये जीवन है ये फॉलो करते हैं। यहाँ अगर आप देखें भी तो देखिए परिवार की जो महिलाएं हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हर घर में ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होता है परिवार की महिलाएं शव को शववाहिनी तक छोड़ने जाती हैं, और उसके बाद फिर वो अपने घर में इंतज़ार करती हैं परिजनों के वापस लौटने का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं परिवार की ही जो महिलाएं हैं वो थी, और आसपास के जो पड़ोसी हैं, आसपास के जो यहाँ पे इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वही मौजूद थे यहाँ पे। और अब यहाँ से सीधा जो कॉन्वॉय है वो जा चुका है शमशान गृह के लिए, और आपको बता दें कि वहाँ पे सारी तैयारियाँ जो हैं वो पहले से कर ली गई थी। इनफैक्ट हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चला था करीब 3:30 बजे जब देहांत हुआ, तो प्रधानमंत्री सुबह करीब 5:30 के बीच में ही फ्लाई करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में शायद फॉग की वजह से उनकी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फ्लाइट जो है वो डिले हो गई और वो 8 बजे पहुंचे, वरना जानकारी ये थी कि वो करीब करीब 7 बजे से पहले ही यहाँ आ जाने वाले थे, और शमशान गृह पे तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पहले से ही शुरू कर दी गई थी, और ये इस हिसाब से शुरू की गई थी कि 7:30 के आसपास अंतिम विधि जो है वो वहाँ पे संपन्न कर दी जाए। प्रधानमंत्री के पहुंचने में थोड़ा डिले हुआ इसीलिए, और जैसा कि अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे कि आगे उन्होंने अपने कार्यक्रम जो हैं वो कोई भी कैंसिल नहीं किए हैं, तो ये देख लीजिए कि पूरा प्लान स्तर से किया गया था कि वो यहाँ शामिल भी हों, और बाद में जो उनके रूटीन कार्य हैं जो देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका भी वो निर्वाहन कर पाए। सौरभ, इस वक्त तो वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, एक बेटे का फर्ज, एक बेटे का कर्तव्य जो है वो निभा रहे हैं, और बहुत ही उनके लिए इस वक्त तो ये एक बहुत दुख का लम्हा है। स्वामी जी हमारे साथ हैं
बेटे के लिए इससे बड़ी और दुख की घड़ी और क्या होगी कि अपनी मां की अर्थी को वो कांधा दे। स्वामी जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।